हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ क्रिस्पी करेला। आप देख सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी है, कितनी क्रंची है। तो ऐसे टेस्टी यम्मी करेला स्नैक्स बनाने के लिए देखते हैं किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने लिया है करेला, तेल, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, हल्दी, बेसन, चावल आटा, चाट मसाला और यह है जीरा पाउडर। सबसे पहले मैंने करेले को अच्छे से धो के पोंछ लिया था। अब मैं इनके पतले पतले स्लाइस काट रही हूँ गोल में। ना ही ये बहुत ज़्यादा थिन होने चाहिए ना ही मोटे। आप इस तरीके से करेले काट के साइड में रख लेंगे। सारे करेले कट चुके हैं, ये ना ही बहुत ज़्यादा मोटे हैं ना ही बहुत ज़्यादा पतले हैं। अब मैं इनके ऊपर निचोड़ रही हूँ आधा नींबू। नींबू मैंने डिस्क्रिप्शन में नहीं दिखाया था, मैंने नींबू निचोड़ दिया है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ डेढ़ स्पून बेसन, फिर उसके बाद डेढ़ स्पून चावल आटा। भले ही बेसन आप स्किप करना पर चावल आटा नहीं स्किप करना, क्योंकि चावल आटे से ही करेले क्रिस्पी बनेंगे। उसके बाद मैंने इसमें डाला हाफ स्पून हल्दी, हाफ स्पून जीरा पाउडर, हाफ स्पून धनिया पाउडर, फिर उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ स्पून डाल के इनको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक हाफ स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। डाल के मैं इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि सारे मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये मिक्स हो गए, अब मैं तेल गर्म होने के लिए रख दे रही हूँ। तेल हमें अच्छे से गर्म करना है। गर्म करके गैस का फ्लेम मीडियम करके उसमें करेले डालने। करेले डाल के हमें मीडियम आँच पे ही, ना ही ज़्यादा हाई ना ही ज़्यादा स्लो पे, हमें इन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन या क्रिस्पी होते तक फ्राई करना है। बच्चे जनरली करेला खाना पसंद नहीं करते, उन्हें इस तरीके से स्नैक्स बना के दो तो बहुत अच्छे से खाते हैं। इसे आप एज अ स्टार्टर, एज अ टी टाइम स्नैक्स बना के खा सकते हो, या ट्रैवल में जा रहे हो तो उस समय भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो मार्केट के स्नैक्स खरीदने के बजाय। ये करेले फ्राई हो गए, अब मैंने निकाल रही हूँ। अब सेम इसी तरीके से मैं बाकी सारे करेले फ्राई करके निकाल लूँगी। ये बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत टेस्टी हैं। साथ ही बच्चे करेला खाना पसंद नहीं करते, उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। अब मैंने बाकी ही सारे करेले फ्राई कर लिए हैं, अब मैंने निकाल रही हूँ। निकाल के अब मैं इनके ऊपर डालूँगी थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट चाट मसाला डालने से थोड़ा चटपटा फ्लेवर रहेगा। ये डिश मैंने बच्चों के लिए बनाया इसलिए मैंने इसके ऊपर मिर्च पाउडर नहीं डाला। आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा मिर्च पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हो। अब हमारे टेस्टी क्रिस्पी करेला बनके रेडी है। आप भी इसे बनाइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।